हेलो एवरीवन, मैं सुनील और आज हम लोग बात करेंगे ऑल न्यू निसान मैगनाइट 2021 के बारे में। एंड ये आप देख रहे हैं निसान मैगनाइट का बेस वेरिएंट एक्सी। एंड टोटल आपको चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं इसमें एंड 8 कलर ऑप्शन। बट अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको दो कलर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको सिल्वर एंड व्हाइट कलर ऑप्शन मिलेंगे। एंड इसका मैनुअल एंड सीवीटी दोनों ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आपको ऑफर की जाती है ऑल न्यू निसान मैगनाइट, डीजल का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। एंड सीवीटी मैनुअल दोनों ऑप्शन मिलता है। ये आप देख रहे हैं इसका मैनुअल ट्रांसमिशन काफ़ी बेहतरीन आपको देखेंगे। बोल्ड एंड बिग फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, एक स्पोर्टी फील आएगा आपको इसको देखने के बाद। एंड काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ आपको जो इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है जो अदर गाड़ियों में नहीं दिया जाता बेस वेरियंट में, तो जिसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन देखेंगे आप, इस तरह आपको की मिल जाती है मैनुअल। एंड सेंटर लॉकिंग आपको नहीं अवेलेबल की जाती बेस वेरियंट में, दो कीज़ ऑफर की जाएंगी। अपर वेरियंट में आपको देखने को मिल जाता है सेंटर लॉकिंग वगैरह। एंड ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ऑल न्यू निसान मैगनाइट। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको निसान का लोगो मिल जाता है बड़ा सा, एंड ब्लैक कलर की आपको डोमिनेटिंग फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी काफ़ी बेहतरीन। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है ग्रिल के चारों ओर, जो एक इसको बेहतरीन लुक दे देता है। और साइड में हम लोग आएंगे तो इस बेस वेरिएंट में हमको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप ऑफर किया जाता है। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको अपर वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो क्रोम फिनिश मिल जाता है अपर वेरिएंट में, यहाँ पे डीआरएल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे फॉग लैंप आपको नहीं दिए जाते हैं, बाद में लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। और ये स्किड प्लेट ब्लैक कलर की, एंड 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है जो काफ़ी बेहतरीन है। ऑफ रोडिंग वगैरह कहीं भी आप ले जा सकते हैं तो ईजिली ड्राइव कर पाएंगे। एंड बेस्ट पार्ट इस कार का ये है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज आपको दी जाती हैं जो बेस वेरिएंट में आपको और कंपनी नहीं देती है। यहाँ पे देखेंगे वाईफाई की प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड रूफ आपको सिंगल टोन मिलती है, चार आपको इसमें डुअल टोन कलर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहें तो। अपर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी बेहतरीन। साइड प्रोफाइल आप इसकी देख रहे हैं तो साइड में यहाँ पे देखते हैं इसका टायर साइज। तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर ड्रम मिलता है, एंड टायर प्रोफाइल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा साइड में। और यहाँ देखेंगे तो क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक कलर की। फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे मैग्नाइट की बैजिंग। एंड ये ब्लैक कलर के आपको ORBM ऑफर किए जाते हैं, मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल होंगे। एंड ए पिलर देखेंगे तो आपको रफ ब्लैक कलर में आपको पूरा मिलता है। और ऊपर देखेंगे तो आपको सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स मिल जाते हैं, आपको बेस वेरिएंट में ही निसान ऑफर करता है जो बाकी अदर कारों में नहीं देखने को मिलेगी बेस वेरिएंट में रूफ रेल्स वगैरह। यहाँ पे भी आपको डोर क्लैडिंग मिल जाती है जो डोर्स को प्रोटेक्ट करेगी स्क्रैचेस वगैरह से। डोर हैंडल भी देखेंगे आपको बॉडी कलर में मिलता है। ये रियर व्हील 2500 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है, ड्रम व्हील मिलेगा, फ्यूल टैंक 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। एंड अब आते हैं हम लोग इसके बैक प्रोफाइल पर, तो काफ़ी देखेंगे आपको इसकी बोल्ड बैक प्रोफाइल भी मिल जाती है अट्रैक्टिव। एंड अभी बात करें अगर इसके हम लोग प्राइस की तो 5,59,100 इसका बेस वेरियंट प्राइस है। ऊपर माइक्रो रूफ एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रूफ रेल। एंड यहाँ पे स्पॉइलर, ये भी आपको बेस वेरिएंट में अदर कार्स में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये यहाँ पे देख सकते हैं। डिफॉगर भी आपको बेस वेरिएंट में मिल रहा है, एंड रियर वाइफर भी आपको बेस वेरिएंट में दिया जा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। एंड यहाँ देखेंगे निसान का लोगो मिल जाता है और नीचे उसके मैग्नाइट की बैचिंग, काफ़ी बेहतरीन आपको बैक प्रोफाइल मिलती है। इधर आएंगे तो आपको देखेंगे वाइल्ड सिग्नेचर टेल लैम्प मिल जाते हैं। और यहाँ बम्पर में देखेंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल होंगे। तो ये है इसकी प्रॉपर बैक प्रोफाइल। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। और बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन मिल जाता है जिससे आप अपने बूट को ओपन कर सकते हैं। तो बूट ओपन होने के बाद इस तरह पूरा इसका अंदर का कैबिन दिखता है इंटीरियर पूरा। एंड यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं मिलती, आप लगवाना चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यहाँ से आप पूरी सीट अपनी फोल्ड कर सकते हैं। 336 लीटर का आपको बूट स्पेस दिया जाता है, 336। अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो तो आपको 690 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा जो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा लगेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेयर टायर मिल जाता है, स्टीरियम ऑफर किया जाएगा यहाँ पर। तो ये है अंदर का इसका बूट स्पेस। एंड बूट डोर में देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको दो लाइट्स मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है नाइट में। यहाँ पे आपको हैंडल भी मिल जाता है जिससे आप आराम से क्लोज कर पाएंगे अपने बूट को।
तो ये उसकी पूरी बैक प्रोफाइल। अभी बात करेंगे इस गाड़ी के डायमेंशन की, तो 4994 mm की लेंथ मिल जाएगी, 1758 mm की विथ एंड 1572 mm की हाइट मिल जाती है आपको ऑल न्यू निसान मैग्नाइट की। एंड इस बेस वेरिएंट की अगर ऑन रोड लखनऊ की बात करें प्राइसिंग की, तो आपको ये 6,59,000 ऑन रोड पड़ जाता है लखनऊ में। तो यहाँ से हमने आगे एक फ्रंट डोर ओपन कर लिए, तो देखते हैं अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो डुअल टोन में आपको इसकी डोर मिल जाती है, एंड देखेंगे बेस वेरिएंट में आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल दिए जाते हैं, अदर कार्स में आपको सिर्फ फ्रंट की दो पावर विंडो दी जाएंगी। यहाँ पे चारों मिल रही हैं, यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी मिल जाता है, डोर ओपनर, एंड ये देख सकते हैं डुअल टोन में पूरी डोर आपको मिलती है, नीचे बॉटल होल्डर। एंड स्पीकर नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप बाद में लगवा सकते हैं। तो डुअल टोन में आपको काफ़ी बेहतरीन इसका पूरा इंटीरियर डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पे आपको सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल का नहीं मिलता है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूल लीड ओपनर मिल जाएगा, फैब्रिक की आपको सीट दी जाती है इसमें। तो अभी हम लोग अंदर बैठेंगे तब पूरा कवर करते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड एंड इंटीरियर। यहाँ नीचे आपको पैडल्स मिल जाते हैं, CVT का भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। यहाँ पे अब बैठते हैं हम लोग कार के अंदर, तो काफ़ी बेहतरीन देखेंगे आपको स्टीयरिंग मिल जाती है इसकी, कोई माउंट कंट्रोल नहीं मिलेंगे, अपर वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है, टॉप वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID स्क्रीन, एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको शो होगी इसमें, एंड काफ़ी सारी चेकलाइट्स मिल जाती हैं, फ्यूल गेज वगैरह भी आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये इसका पूरा स्टीयरिंग, यहाँ पे निसान का लोगो मिल जाता है बड़ा सा, SRS का एयरबैग, काफ़ी अच्छी ग्रिप। एंड लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइफर्स की प्लेसमेंट एंड राइट साइड हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ साइड में देखेंगे तो आपको जो ORBMs के मैनुअल कंट्रोल हैं, यहाँ से आप अपने ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा सेंटर कंसोल, AC वेंट्स के डिज़ाइन आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे आफ्टर मार्केट आप म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हैं, यहाँ पे हजार लाइट, बूट ओपन कर सकते हैं, डिफॉगर का बटन्स अवेलेबल होंगे। यहाँ आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पेस कुछ भी सामान रख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इसका 5-speed ट्रांसमिशन, CVT का भी ऑप्शन अवेलेबल है, हैंड ब्रेक, 2 glass holders, आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा इसमें। यहाँ देख सकते हैं किधर आपको एयरबैग मिल जाता है डैशबोर्ड पे, एंड यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स का स्पेस कुछ इतना मिल जाएगा देखने को। तो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू निसान मैग्नाइट, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस वेरिएंट की, तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग भी चल रही है। वेटिंग की बात करें तो आपको इसमें 30 से 32 डेज वेटिंग पीरियड मिल रहा है, यहाँ पे आपको डे नाइट IRVM ऑफर किया जाता है बेस वेरिएंट में ही। एंड यहाँ देखेंगे तो आपको रीडिंग लैम्प मिल जाएगा, इधर वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको सनवाइजर में, ग्रैब हैंडल, एंड ये डोर देख सकते हैं आप इसकी लेफ्ट वाली, और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा सनवाइजर में। अंदर का कैबिन पीछे वाला इस तरह देख सकते हैं, कुछ इस तरह दिखेगा। तो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू निसान मैग्नाइट, एंड सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आपको ऑफर की जाती है। इसकी असेंबली की बात कर लो, यहाँ देखेंगे आपको डोर ओपनर, पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर, एंड स्पीकर यहाँ पे लगवा सकते हैं बाद में। तो ये इसकी पीछे वाली पूरी डोर, यहाँ पे ये लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है। तो अब हम लोग बैठते हैं, देखते हैं कैसा क्या कम्फर्ट है। तो अंदर बैठ चुके हैं, अंदर बैठने के बाद ऐसे कुछ दिखेगा रियर सीट से इसका पूरा डैशबोर्ड, म्यूज़िक सिस्टम लग जाएगा तो एक बेहतरीन लुक निकल के आ जाएगा इसका। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए, लेग स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाएगा, हेडरूम भी, बिकॉज अच्छी खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। लेफ्ट वाली डोर देख सकते हैं इसकी, एंड इसमें भी आपको नीचे देखेंगे बॉटल होल्डर, पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे ग्रैप हैंडल, यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैंप ऑफर की जाती है। पीछे पार्सल ट्रे आपको सिर्फ नहीं मिलती जो आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, सिर्फ दो चीज़ें लगवा दीजिए तो आपको इसमें कोई कमी नहीं लगेगी, एक म्यूज़िक सिस्टम, दूसरा पार्सल ट्रे, बाकी सारी चीज़ें आपको निसान ऑफर करता है। एंड अगर ब्रांड में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो निसान आपको ऑफर करता है बेस वेरिएंट से ही, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। एंड अभी बात करें अगर इसके इंजन की, तो ये आप देख रहे हैं इसका 1 liter नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 3 cylinder 999 cc का होगा, 72 PS की पावर एंड 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो अभी की निकाल लेते हैं एंड चलते हैं इसके पीछे वाली सीट पे। एंड आपको CVT का भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड एक आपको मिल जाता है 1 liter टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन।
तो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑनली निसान मैग्नेट। अभी बात करें अगर इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें ABS विथ EBD डुअल एयरबैग एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड इंजन इम्बलाइजर क्रैश सेंसर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी निसान मैग्नेट बेस वेरिएंट की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।